पंजाब से रामनगरी पहुंची गर्भवती महिला ने नवजात को जन्म दिया है, जिसकी आशा बहू ने लेबर पेन होने के चलते स्क्रीनिंग सेंटर पर ही डिलीवरी कराई है। प्रसूता और नवजात दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। दरअसल अन्य राज्यों से मजदूरों की आमद तेजी से चल रही है। प्रवासी मजदूर अपने गांव पहुंचने के लिए बड़े बड़े शहरों से निकल चुके हैं, किसी भी हालत में अपने घर पहुंचना चाहते हैं। वहीं प्रसूता महिला अपने पति के साथ पंजाब के अम्बाला से सहारनपुर आई थी, जहां से रोडवेज बस द्वारा उसे अयोध्या लाया गया, जहां पर GIC स्क्रीनिंग सेंटर में थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान महिला को प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद मौके पर मौजूद स्वास्थ्य विभाग की आशा बहू ने सेंटर के कमरे में ले जाकर उसकी डिलीवरी कराई। महिला थाना कुमारगंज क्षेत्र के इसोली भारी की रहने वाली है। तीसरे दिन मिली बस, उसके बाद सहारनपुर से यहाँ आज पहुँचे अयोध्या, तो अभी 10 मिनट हुआ नहीं, बस ये कंडीशन हो गया सर। क्या हुआ? ये लड़का हुआ सर। आपकी वाइफ को? हाँ जी। तो वहाँ पे मौका भी नहीं मिला चेकअप करवाने के लिए, और प्रशासन की ने व्यवस्था कराई आपको? हो गया सर, हो गया सर, कंप्लीट हो गया। क्या व्यवस्था कराई? अच्छी हो गई व्यवस्था, यहाँ एम्बुलेंस आई सर, उसके बाद सारी व्यवस्था हुई, पुलिस भी साथ में है, सारा कुछ। एक रमेश कुमार है कुमारगंज के, ये लोग जो है अम्बाला से जो है ये लोग सहारनपुर आए, सहारनपुर से ये लोग बस से यहाँ पे आए फैजाबाद आए। जैसे ही ये लोग GIC में पहुँचे वहाँ चेकिंग के लिए, तो वैसे ही जो है इतनी इनकी पत्नी को जो है प्रसव पीड़ा होने लगी और एक बच्चे को जन्म दिया। जैसे ये जानकारी हम लोग को हुई, तत्काल हम लोगों ने एम्बुलेंस की व्यवस्था करा करके और उस लेडी को हम लोग यहाँ महिला अस्पताल में ले आए हैं। अभी उनका सब देख रेख और सब इलाज हो रहा है, उम्मीद करते सारा कुछ अच्छा रहेगा।